हेलो नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। तो मेरे एक सब्सक्राइबर का कमेंट था कि मैं भेल मुरही और हम जिसे मुरही मिक्सचर कहते हैं उसका, तो आज ये वीडियो है उनके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बनाने के लिए मैंने जाके कुछ नींबू मिर्च और कुछ टमाटर तोड़ लिए थे, और तोड़ लिए थे कुछ धनिया के पत्ते भी। तो यहाँ मैं भेल मुरी बनाने के लिए कुछ आलू उबाल रही हूँ। मेरे पास छोटे छोटे आलू थे तो मैंने 5 आलू लिए। आप चाहे तो 1 या 2 भी उबाल सकते हैं। जैसे 2 सीटी आने तक मैंने उबाला था, फिर गैस बंद कर दिया था। फिर मैंने यहाँ जो जो चाहिए सब कट करके रख दिया था। फिर यहाँ एक बर्तन में सबसे पहले डाला 2 कटे हुए प्याज, फिर डाला मैंने 2 कटे हुए हरी मिर्च, फिर डाला मैंने थोड़ा सा धनिया का पत्ता, फिर डाला मैंने 2 कटे हुए टमाटर। इन सबको डालने के बाद फिर मैंने डाला उबाले हुए आलू, और फिर डाला मैंने बस थोड़ा सा नमक। नमक डालने के बाद मैंने यहाँ डाला था मिक्सचर। आप अपने हिसाब से जितना भी मिक्सचर डाल सकते हैं। मैंने यहाँ मिक्सचर थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, मुरही थोड़ा कम, क्योंकि मुझे ज़्यादा मिक्सचर डालना अच्छा लगता है और मुरी कम, इसलिए। फिर मैंने यहाँ डाला थोड़ा सा मुरी। इसे मुरी ही कहते हैं ना, क्योंकि हमारे यहाँ तो कुछ और ही कहते हैं, इसलिए मैं बार बार ये सब पूछती रहती हूँ। अब डालिए स्वाद को दुगने करने के लिए थोड़ा सा लेमन जूस। अब डालिए थोड़ा सा अचार। आप हो सके तो टमाटर या मिर्च का अचार डालिए, उससे ना बहुत अच्छा स्वाद आता है। मैंने यहाँ डाला था थोड़ा सा नींबू का अचार, लेकिन टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये भी खाने में बहुत मस्त था। इसे थोड़ी देर के लिए मिलाइए और फिर ये खाने के लिए तैयार है। तो आप किस बात के लिए रुके हैं? जल्दी जल्दी जाके शेयर बटन पर क्लिक करें और मेरा ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपका आज का मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।